अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर लिया? सही से कर लिया? रोए तो नहीं थे? वेरी गुड, जब भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं भाई जी। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि कल क्या किया था मेरे दोस्तों ने? काम किया था कंप्लीट? वेरी गुड, पूरा काम मुकम्मल कर लिया था। टीचर को भेज दिया था? मम्मा से कहा था ना भेजने को, मम्मा ने भेज दिया। शाबाश। अच्छा जी, कल हमने एक बड़े मज़े की नज़म पढ़ी थी जी। वो भागने दौड़ने वाली क्या नज़म थी, ज़रा जल्दी से बताएं। क्या नज़म? थोड़ी सी याद है, पूरी याद नहीं हुई अभी। क्यों? थोड़ी सी रह गई। चलें कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। दोबारा पढ़ें तो मेरे साथ पढ़िएगा, है ना? चलें दोबारा पढ़ते हैं। वो क्या नज़म थी हमारी? नज़म थी हमारी, दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। जी, दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। याद आया आपको? वेरी गुड। और हमने बनाना किस तरह से था? फिंगर खोलनी थी, पूरा अपना हैंड खोलना था, दो फिंगर्स को बंद करना था, थंब रखना था, टू फिंगर के साथ इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी थी। याद आ रहा है? वेरी गुड। चलिए बनाते हैं। दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। जी चले, याद हुई? याद आ गया ना? वेरी गुड। अब दोबारा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। हाँ, भूलना नहीं है, इसको नहीं भूल सकते, क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम बार बार इसको पढ़ेंगे जी। बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, फिर कल मैं आपसे दोबारा सुनूंगी। हाँ जी, जब आप याद कर लेंगे तो सुना भी दीजिएगा, है ना भाई? चले मम्मा को सुना दीजिएगा, ठीक है? चले क्या करें, अब बुक खोलेंगे अपनी, और बुक का सफ़ा नंबर खोलेंगे हम 30। जी यहाँ क्या मौजूद है? वेरी गुड, जो हमने कल पढ़ा तो कौन सी आवाज़ पढ़ी थी? द की आवाज़ पढ़ी थी। क्या हम पढ़ना स्टार्ट कर दें? नहीं करें? शाबाश। क्या करें पहले? जी पहले हम आइकन्स देखेंगे कि यहाँ पे आइकन्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो यहाँ पे आइकन्स हैं कितने? 1, 2, 3। तीन आइकन्स मौजूद हैं। शाबाश। 1, 2, 3। तीन आइकन्स मौजूद हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा पहला आइकन मौजूद है, कौन सा? जी यहाँ पे कुछ लकीरें बनी हुई हैं, पेंसिल रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? पेंसिल तो नहीं है, फिंगर है। तो फिंगर एक हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। शाबाश। तो यह आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पहले सफ़े को पढ़ना है। चलिए जी ठीक है, पढ़ लेंगे। दूसरा आइकन हमसे क्या कह रहा है? बुक की आधी शक्ल है, पेंसिल रखी हुई है, मतलब पेंसिल फेरिए पेंसिल फेरिए, हमने पेंसिल फेरनी। और तीसरे में हमारी मानव बिल्ली बैठी हुई है, हमारी दोस्त, और दोस्त बैठी हुई है हमारी कलर लेके, और हमसे क्या कह रही है? रंग भरिए रंग भरिए। जी पहले हमने पढ़ना है, फिर हमने पेंसिल फेरनी, और उसके बाद रंग भरना है। ठीक है जी, काम स्टार्ट कर लें? नहीं करें? क्यों जी? यहाँ पे तारीख जो लिखनी है, यहाँ तारीख लिखेंगे। मम्मा से कहें यहाँ पे तारीख लिखते हैं भाई, ताकि पता चले कि हमने काम किस तारीख पे किया था। ठीक है जी, चलें जी पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये है द 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 दादी 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 द दादी द दादी दादी की शुरू की आवाज द दादी की शुरू की आवाज द द दादी दादी की शुरू की आवाज द द दादी द दादी द दादी द दादी दादी की शुरू की आवाज द द दादी द दादी द दादी। शाबाश। यानी के
दादी की शुरू की आवाज है द, द दादी। अब द को हम क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने पेंसिल फेरनी द के ऊपर, तो हम क्या करेंगे जी, अपनी पेंसिल निकालेंगे, उसको शॉर्प करेंगे, और शॉर्प करने के बाद हम पेंसिल को यहाँ जो बड़ा नुक्ता है उस पर रखेंगे, आहिस्ता 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 इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इस पर पेंसिल फेरेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब पेंसिल फेरेंगे ना तो ये बन जाएगा, लेकिन साथ साथ क्या करना है, इसकी नज़म पढ़नी है जो हमने अभी पढ़ी थी जी। आप साथ साथ इसकी नज़म पढ़ेंगे, इसको पेंसिल फेरते जाएंगे और नज़म पढ़ते जाएंगे। नज़म हमारी क्या थी जी, दुम्बा भागा खाने दाना, द की कमर को गोल बनाना। वेरी गुड, यहाँ पे आप पेंसिल रखेंगे और आहिस्ता 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 सारे द को आप ट्रेस करेंगे, चाहे तो आप पेंसिल फेरें, चाहे तो आप कलर पेंसिल जी, कलर पेंसिल्स भी ले सकते हैं भाई, कलर पेंसिल्स लेके आप द को घुमाइए, इस पर पेंसिल फेरिए। उसके बाद क्या करना है, जब आप इस पर पेंसिल फेर लेंगे तो फिर क्या करेंगे जी, तीसरा आइकन क्या कह रहा है, रंग भरने को कह रहा है। तो अपने रंग निकाल लीजिए जी, रंग निकालिए, उसको पेंसिल को अच्छी तरह शॉर्प कीजिए, और ये दादी साहिबा जो बैठी हैं हमारी, उन पर आहिस्ता आहिस्ता आपने कलर करने हैं, ठीक है ना। ख्याल रखना है कि इनके तस्वीर से बाहर हमारे रंग नहीं जाएं, ठीक है, तस्वीर में कलर रहें, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे आपने यहाँ पे कलर करने, रंग भरने, ठीक है। जब आप रंग भर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, जब अच्छे से देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमने क्या पढ़ा है, इसकी नज़म आपने अच्छे से याद करनी है जी। जब इतनी दफ़ा आप द पे हाथ फेरेंगे, पेंसिल फेरेंगे और बार बार नज़म पढ़ेंगे, तो पेंसिल फेरने की वजह से, नज़म पढ़ने की वजह से आपको नज़म इसकी अच्छे से याद हो जाएगी। फिर आप कलर करेंगे और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको अपनी नज़म भी सुनाएंगे, बताइएगा कि आज हमने क्या पढ़ा, और अपने काम की पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।